हेलो दोस्तों, कैसे हो? सभी लोग आशा करते हैं सभी लोग अच्छे होंगे। तो आज हमारे यहाँ बारिश हुई है, रात में बारिश हुई है काफ़ी और सुबह तक अभी तक हो रही है। आज हो गया लेट, उठने में ऊपर लेटे थे फिर नीचे आए, ऊपर नीचे करते करते तो फिर जल्दी से बनाई पूरी सब्जी। बिटिया गए नहीं, बारिश हो रही थी इस वजह से पैदल जाती हैं, प्रखर तो बगल में ही जाते हैं स्कूल अपने ही, तो गए तो सिलेंडर भी ख़त्म होने वाला लग रहा था तो उसको हमने लिटा दिया है। तो वही हमको हंसी आ रही कि हम सिलेंडर लिटा के बना रहे हैं खाना। फिर गए स्कूल, स्कूल से वापस आए तो फिर हमने कहा दूध काफ़ी रखा है तो पनीर बना लेते हैं, काफ़ी दिनों से बनाया भी नहीं था पनीर। तो ले आए नींबू ताजे तोड़ कर, तो उन्हीं को काट कर डालेंगे, विनेगर नहीं डालते हैं हम और हमारे पास है भी नहीं और मंगवाते भी नहीं हैं। नींबू का इस्तेमाल करते हैं क्योंकि केमिकल से दूर रहना चाहिए जितना हो सके। तो नींबू सुबह दूध उबाल कर रख दिया था, ठंडा हो गया, दोबारा से रख दिया इंडक्शन चढ़ाने के लिए। और कल लाए थे ये वाला भगोना इंडक्शन में चढ़ाने के लिए 350 का। तो बाकी भगोने छोटे थे और इंडक्शन में जो स्टील वाले होते चढ़ नहीं पाते हैं, इंडक्शन ख़राब हो जाता है रोज़, वैसे छोड़ता है फिर लेता है छोड़ता है, तो इस वजह से फिर लाइट चली गई तो फिर हमने गैस पर चढ़ाया और दो नींबू डाल दिए, फिर भी नहीं फटा। हमने कहा देखो दो नींबू डालने के बाद भी नहीं फटा तो फिर हम कहा और लेके आओ, फिर और नींबू काटा दो तब जाके दूध फटा, काफ़ी नींबू डालने पड़े तब फटा। फिर उसको हमने निकाल लिया चलनी में, कपड़ा था नहीं, रुमाल थे नहीं, तो कपड़ा था 1 मीटर का बहुत बड़ा, तो उसको धुल लिया उसी में निकाला फिर। और हमारे यहाँ बाकी सभी लोग तो ये दूध फाड़ा हुआ पानी जो होता है उसका इस्तेमाल कर लेते हैं, पर हमारे यहाँ मम्मी तो वो नहीं करती ना, दूध नहीं खाती इस वजह से नहीं कर पाए। नहीं, बहुत लोग आटा मार लेते हैं इसी से, पौष्टिक होता है तो इसी पे निकाल के हम रख देंगे फुरसा, तो रख देंगे तो पानी छूट जाता है बढ़िया से। हो गया 1 घंटा रखने के बाद हमने इसको काट लिया, काटने के बाद आ गए हैं मसाला पीसने के लिए, लाइट आ नहीं रही थी और तो हमने कहा सिलवट्टे से पीस लेते हैं, अच्छा रहता है, पीस जाता है अच्छे से। फिर थोड़ी चीज़ें रहती हैं तो जार हमारा है बड़ा मिक्सी का, तो इस वजह से नहीं पीस पाता है ठीक से, तो सिलवट्टे में ठीक रहता है। फिर निकाल लिया हमने गरम मसाला पीसने के लिए, पनीर में गरम मसाला नहीं पड़ते तो पनीर अच्छी नहीं बनती है, और मोल वाला तो होता है पर जब तक घर पीसा वाला नहीं डालो तब तक अच्छी नहीं, स्वाद नहीं अच्छा आता है। तो ही जल्दी जल्दी पीसने में जुटे हैं। पीसने के बाद फिर जो और बाकी मसाला था उसको हमने निकाल दिया, हल्दी धनिया मिर्चा और तेल डाल दिया और मटर उबाल लिया था, और इधर पुलाव वही घर वाले चावल बनाए थे पुलाव की तरह, तो उसी में गरम मसाला भून के डाल दे तो पुलाव बढ़िया बनता है, अच्छे बनते हैं, तो यही डाल दिया हमने। और इधर पनीर थोड़ा सा हल्का सा भूनना था, ज़्यादा भून लो तो फिर अच्छा नहीं लगता है, हल्का सा ठीक रहता है, तो उसी में डाल दिए चावल। और फिर चावल डालकर नींबू डाल दिया था, नींबू का रस निचोड़ दिया, आधा रखा हुआ था डेढ़ बाद में डाला था तो आधा बचा था, और थोड़ा सा पानी डालकर ढक दिया था। इधर सारे मसाले डाल दिए हमने, भूंज रहे हैं तब तक टमाटर डाल देते हैं, और मम्मी खाती नहीं इस वजह से आलू उनको डालना पड़ा, तो आलू उनके लिए निकाल देंगे। इसमें डाल दिया थोड़ा सा मटर हमने कहा इसमें डाल दें, और फिर उसके बाद निकाल लिया मम्मी के लिए आलू, फिर उसके बाद पनीर डाल दिया। ज़्यादा गाढ़ा नहीं बना था, थोड़ा पतला ही था। और फिर बनाई रोटी, और प्रखर बहुत जल्दी रहती है कोई चीज़ बनती है तो। और मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, और वीडियो को लाइक कर देना दोस्तों।